के कुछ टॉपिक्स क्लियर करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर जो है आज मैंने देखा 8 क्लास में भी है, 9 क्लास में भी है, 10 क्लास में भी है। ठीक है, तो जो पीछे वीडियो बना है शायद 8 क्लास में नहीं डाला है, वो सेम चीज आज 8 क्लास में भी डाल दिया जाएगा। जैसे कि नेटवर्क क्या होता है पढ़ना है 8 क्लास में, टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ना है, कंपोनेंट पढ़ना है, एडवांटेज पढ़ना है, ये सारी चीजें हमें पढ़ा दी है। ठीक है, तो सेम सिलेबस है 8 का भी, सेम सिलेबस 9 का भी है और 10 का भी। ये चैप्टर जो है वो तीनों क्लास में आपको देखने को मिलेगा, नेटवर्किंग फंडामेंटल एंड कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग कुछ आगे के पॉइंट या टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि कुछ कंपोनेंट होते हैं जो कि नेटवर्क में यूज होते हैं, जैसे कि सर्वर नाम आया था। आर्किटेक्चर भी दो तरह का होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। तो सर्वर नाम आया तो सर्वर क्या होता है ये समझ लेते हैं। सर्वर इज अ होस्ट सिस्टम। क्या होता है, जब मैंने आपको क्लियर किया होगा तो उसमें बताया था कि सर्वर एक ऐसा सिस्टम हो जाता है, सेंट्रलाइज सिस्टम, जो कि वो पूरे नेटवर्क को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अगर किसी किस सिस्टम को कुछ सर्विस की जरूरत होती है तो उसका सारा पावर किसके पास लेने का होता है, सर्वर के पास होता है। तो आप इसी से क्लियर हो सकते हैं, डिफिनेशन निकाल सकते हैं कि सर्वर एक क्या है, उस नेटवर्क का होस्ट सिस्टम है, ठीक है, या कंप्यूटर है, दैट प्रोवाइड सर्विसेज, जो कि क्या करता है, सर्विस को प्रोवाइड करता है टू क्लाइंट सिस्टम। जो उसके साथ में जुड़े हुए सिस्टम होते हैं उन सिस्टमों को क्या करता है, सर्विस को प्रोवाइड करता है नेटवर्क में। एंड कंट्रोल एक्सेस टू हार्डवेयर, कंट्रोल करता है हार्डवेयर के एक्सेस को, यानी कोई भी क्लाइंट सिस्टम कोई हार्डवेयर एक्सेस करना चाहता है तो उसको कंट्रोल करने का, मैनेज करने का काम भी कौन करता है, सर्वर सिस्टम करता है, कि उस हार्डवेयर को एक्सेस करने देना है कि नहीं देना है। ठीक है, ये बात समझिएगा कि अगर कोई हार्डवेयर शेयर है तो उसका पावर किसके पास होता है, कंट्रोल किसके पास होता है, सर्वर सिस्टम के पास होता है। अगर यहाँ से परमिशन मिलेगा तभी आप एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो कंट्रोल एक्सेस टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, अगर आपको सॉफ्टवेयर की भी जरूरत है और आप सर्वर सिस्टम से एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका भी कंट्रोलिंग पावर किसके पास होता है, सर्वर के पास ही होता है। यानी एंड अदर रिसोर्सेज, रिसोर्स मतलब संसाधन, और भी अदर जो संसाधन होते हैं नेटवर्क में, उन सभी को कंट्रोल के एक्सेस के कंट्रोल को कंट्रोल करने का काम सर्वर सिस्टम करता है। यानी सर्वर इज अ होस्ट सिस्टम और कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज, क्या करता है, क्लाइंट सिस्टम को सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड कंट्रोल एक्सेस, कंट्रोल या मैनेज बोल सकते हैं, कंट्रोल एंड मैनेज एक्सेस टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्सेज। क्लियर, सर्वर में कहीं डाउट तो नहीं होगा। ये सर्वर आप समझ लीजिएगा कि जहां भी सर्वर आया वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया और वो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करने का काम एंड मैनेज करने का काम करेगा। उसके अंदर जितने भी सिस्टम जुड़े हुए रहेंगे उन सभी को मैनेज करने का, कंट्रोल करने का काम सर्वर सिस्टम करता है। अब आते हैं क्लाइंट। तो जो सर्वर और क्लाइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़े। तो क्लाइंट क्या होता है, डिपेंड ऑन सिस्टम होता है। किस पे डिपेंड होता है, तो सर्वर पे। देखिए यहां क्लियर हो जाएगा, क्लाइंट्स आर सिस्टम, सिस्टम्स होते हैं या कंप्यूटर्स होते हैं विच रिक्वेस्ट सर्विसेज, जो कि रिक्वेस्ट करते हैं सर्विसेज के लिए, सर्विस को अगर उनको जरूरत होती है तो उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं फ्रॉम द सर्वर। किससे, सर्वर से। किससे रिक्वेस्ट करते हैं, वो सर्वर से। अगर क्लाइंट सिस्टम को कुछ भी चाहिए तो वो किससे रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर सिस्टम से। ठीक है, तो क्लाइंट्स आर सिस्टम्स और कंप्यूटर्स विच रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर। क्लियर। अब नोड, नोड कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन हम जब कंप्यूटर डिफाइन करते हैं तो हम सिस्टम को लिख देते हैं वन, तो ये बोला जाएगा नोड वन, ये बना कंप्यूटर एक और, तो ये हो जाएगा नोड टू, एक और कंप्यूटर बना हुआ है तो ये हो जाएगा नोड थ्री। तो नोड कहने का मतलब है कि नोड ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, प्रत्येक कंप्यूटर जो नेटवर्क में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नोड कहलाते हैं। यानी जो सिस्टम लगे हुए होते हैं उसको नेटवर्क में नोड के नाम से भी जाना जाता है। यानी क्लियर हो जाएगा कि प्रत्येक कंप्यूटर को नेटवर्क में नोड के नाम से बोला जाता है। तो नोड का डेफिनेशन आप समझ गए, ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड ए नोड। एनआईसी, एनआईसी का फुल फॉर्म आप लोग बहुत पहले से याद रखते होंगे कि
एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। तो इट इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट, एक ये हार्डवेयर कंपोनेंट है यूज टू कनेक्ट, जिसका प्रयोग होता है कनेक्ट करने के लिए एक कंप्यूटर को, एक कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए विद इसके साथ में अनदर कंप्यूटर, अनदर कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करने के लिए ऑन टू ए नेटवर्क, एक नेटवर्क में, एक नेटवर्क में एक अनदर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए जिस हार्डवेयर कंपोनेंट का यूज होता है वो हार्डवेयर कंपोनेंट ही क्या कहलाता है? एनआईसी कहलाता है। ये कहां लगा रहता है? कहां लगा रहता है? तो एनआईसी आपको यहां क्लियर होगा, वो होना चाहिए कि एनआईसी भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, क्लियर। देखिए कैसे समझा देते हैं आपको, क्लास में हमने कभी आपको समझाया होगा। एनआईसी दो तरह का, एक होता है वायर्ड एनआईसी, वायर्ड एनआईसी, एक होता है वायरलेस एनआईसी। दो तरह के होते हैं, एक वायर्ड एनआईसी होता है, एक वायरलेस एनआईसी होता है। तो जो वायर्ड एनआईसी होते हैं वो हमेशा मदरबोर्ड के इनसाइड में लगे जाते हैं। मदरबोर्ड कहां होता है? तो सिस्टम यूनिट होता है। सिस्टम यूनिट आपको मालूम होगा, सिस्टम यूनिट क्या होता है? सीपीयू बॉक्स को बोला जाता है। तो मदरबोर्ड में इनसाइड में लगा हुआ एक कार्ड होता है जो कि वायर्ड एनआईसी कहलाता है। यानी ये कैसे कनेक्ट होता है? तो ये केबल और कनेक्टर के माध्यम से एक दूसरे सिस्टम को कनेक्ट करने का काम करता है। लेकिन वायरलेस एनआईसी क्या होता है भाई? इसका सीधा एग्जांपल क्या है? लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर एक वायरलेस एनआईसी है, ठीक है, जो कि नेटवर्क वाईफाई यानी वाईफाई के द्वारा एक्सेस होने का काम करता है, जिसमें कि वायर और कनेक्टर की जरूरत नहीं होती है। ये नेटवर्क को कैच करता है और उससे कनेक्ट होने का काम करता है। तो एनआईसी भी दो तरह के होते हैं, एक वायर्ड एनआईसी और एक वायरलेस एनआईसी। वायर्ड एनआईसी हमेशा मदरबोर्ड के इनसाइड में लगा रहता है, जिसमें केबल और कनेक्टर का यूज होता है एक दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए। लेकिन वायरलेस एनआईसी का सीधा एग्जांपल होता है लैपटॉप कंप्यूटर, और लैपटॉप कंप्यूटर हमेशा वाईफाई नेटवर्क को यूज करता है एक दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ने के लिए, ठीक है, क्लियर। हब एंड स्विच, आपने कंपोनेंट में देखा होगा तीन नाम, हब, स्विच एंड राउटर, ये बेसिक कंप्यूटर कंपोनेंट है। तो हब और स्विच सेम सिमिलर है, दोनों सिमिलर है। तो देखिए हब एक हार्डवेयर डिवाइस है, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट डिवाइस द नेटवर्क कनेक्शन अमंग मल्टीपल डिवाइस। और देखिए स्विच का भी डेफिनेशन सेम ही दिखेगा, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क, इट कंटेन्स मोर एडवांस फीचर एंड स्पीड ऑफ दैन हब। आज के टाइम में जैसे जैसे टाइम बीतता गया हब का यूज लगभग बंद हो चुका है, ठीक है। हब का यूज क्या हो चुका है? लगभग बंद हो चुका है। ज्यादा यूज किसका चल रहा है? स्विच एंड राउटर। नेटवर्क में दो ही डिवाइस आजकल ज्यादा यूज हो रही है, स्विच एंड राउटर। यानी हब का प्लेस किसने ले लिया? स्विच ने ले लिया, क्योंकि हब से ज्यादा ये फास्टर स्पीड से वर्क करता है। जो भी डाटा ट्रांसफरिंग का स्पीड होता है वो हब से बहुत ही ज्यादा होता है, और मोर एडवांस फीचर्स इसके साथ, और भी बहुत सारे एडवांस फीचर स्विच के साथ होते हैं जो कि हब में नहीं होते, ठीक है। तो हब एक हार्डवेयर डिवाइस था जो शुरू में यूज हो रहा था नेटवर्क को डिवाइड करने के लिए, कनेक्शन अमंग मल्टीपल डिवाइस, अलग अलग डिवाइसों के बीच नेटवर्क को बांटने के लिए एक डिवाइस यूज होती थी जिसका नाम क्या था? हब। स्विच का भी सिमिलर वर्क है, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कनेक्ट्स, जो कि कनेक्ट करता है मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करता है ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क, एक कंप्यूटर नेटवर्क को। यानी दोनों का काम क्या है? एकदम सिमिलर है, कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना। एक नेटवर्क में कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना किसका काम है? हब एंड स्विच का। लेकिन हब का यूज लगभग क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। हब का ज्यादा प्लेस किसने ले लिया? स्विच ने ले लिया, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। हब का प्लेस किसने ले लिया? स्विच ने ले लिया। इसके पास मोर एडवांस फीचर्स है और मोर फास्ट स्पीड है डाटा ट्रांसफरिंग की, किससे? हब से, ठीक है, हब से ज्यादा स्पीड में डाटा ट्रांसफर कर सकता है।
क्लियर। अब बच गया पॉइंट हमको क्या पढ़ना, राउटर। राउटर क्या है, तो राउटर क्लियर कर देते हैं। तो राउटर एक ऐसा डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस है जो कि क्या करता है, जो दो अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये नेटवर्क लेयर में वर्क करता है। राउटर किस लेयर में वर्क करता है, नेटवर्क लेयर में वर्क करता है। नेटवर्क लेयर OSI डिफरेंस मॉडल का लेयर होता है। उस लेयर में आपको हमेशा कौन सा डिवाइस यूज होगा, तो राउटर यूज होगा। कौन सा डिवाइस यूज होगा, राउटर यूज होगा। आप क्लियर हो चुके होंगे। तो राउटर का डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। राउटर क्या होता है, राउटर क्या होता है समझ लेते हैं। तो राउटर इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस। क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है विच इज यूज टू कनेक्ट ए लैन। लैन क्या है, नेटवर्क है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि कनेक्ट करता है एक लैन को विद एन इंटरनेट कनेक्शन। इसके साथ में एक अलग नेटवर्क हो गया इंटरनेट कनेक्शन, और लैन एक अलग नेटवर्क हो गया। तो दो अलग नेटवर्क को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट ए लैन, यूज टू कनेक्ट ए लैन विद इंटरनेट कनेक्शन। एक लैन को इंटरनेट कनेक्शन के साथ में जोड़ने का काम करता है वो डिवाइस क्या कहलाता है, राउटर। ठीक है, इट इज यूज टू रिसीव एनालाइज एंड फॉरवर्ड द इनकमिंग पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क। ठीक है, आप यहां ध्यान दीजिए, क्लियर एकदम हो जाइए आप लोग कि राउटर क्या होता है। तो जैसे कि ये एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क टू है। इस नेटवर्क का नाम है Dell.com, इस नेटवर्क का नाम है Philips.com। मान लीजिए दो कंपनी का नेटवर्क है, एक Dell का है या एक HCL का है। मान दो अलग नेटवर्क हो गए, एक Dell का नेटवर्क हो गया, एक HCL का हो गया। ठीक है, तो दोनों लैंड है। कौन सा नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क, और ये भी लोकल एरिया नेटवर्क। ये कहीं और है, ये कहीं और। अभी दोनों नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना है यानी जोड़ना है। तो दोनों नेटवर्क को अगर जोड़ने के लिए आपको किस डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, तो वो डिवाइस कौन सा है, राउटर। ठीक है, ये भी लैंड है, ये भी लैंड है। ठीक है, लेकिन ये मान लो कि मुंबई में है और ये दिल्ली में है, और इन दोनों को कम्युनिकेट करना है, किसी फाइल को लेना हो। मान लीजिए इसको एक फाइल दिल्ली में, HCL की कंपनी है, तो ये अलग नेटवर्क होते हैं, अलग नेटवर्क हो गए ना, लेकिन दोनों लैंड है अपने लिए। ये दिल्ली में लैंड है, ये मुंबई में लैंड है, लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन ये दो अलग नेटवर्क हो गया, क्लियर। तो ये दो अलग नेटवर्क को इंटरनेट कनेक्शन के साथ, दो अलग लोकल नेटवर्क को इंटरनेट कनेक्शन के साथ में जो कनेक्ट कराने का काम डिवाइस करता है, वो डिवाइस क्या कहलाता है, राउटर। क्लियर, यानी दो अलग नेटवर्क को, ठीक है, कम्युनिकेट कराने का काम जो डिवाइस कराता है, वो डिवाइस क्या कहलाता है, राउटर कहलाता है। यानी यहां क्लियर हो जाइए, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कनेक्ट ए लैन, जो कि इसके प्रयोग होता है एक लैन को कनेक्ट करने के लिए विद एन इंटरनेट कनेक्शन। इसके साथ में इंटरनेट कनेक्शन के साथ में इट इज यूज्ड टू रिसीव, इसका प्रयोग होता है रिसीव करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, एनालाइज मतलब अनुसरण करने के लिए होगा, एंड फॉरवर्ड भेजने के लिए द इनकमिंग पैकेट्स। जो इनकमिंग पैकेट्स आता है उसको रिसीव करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, और उसके डिस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, यानी फॉरवर्ड करने के लिए टू अनदर नेटवर्क। अनदर नेटवर्क यानी अनदर नेटवर्क में किसी भी पैकेट को पहुंचाने के लिए पहले उसको रिसीव करेगा, उसको एनालाइज करेगा, और किस डिस्टिनेशन तक पहुंचाना है उसको समझ के उस डिस्टिनेशन तक नेटवर्क में पहुंचाने का काम जो डिवाइस करता है, वो डिवाइस क्या कहलाता है, राउटर कहलाता है। यानी हम सिंपल वे में समझें, दो अलग नेटवर्क को जो कम्युनिकेट कराने का काम डिवाइस करता है वो कौन सा डिवाइस कहलाता है, राउटर का। कम्युनिकेशन स्टार्ट होने का मतलब क्या है, इस दोनों के बीच फाइल एक्सचेंज हो सकता है ना। दो अलग नेटवर्क है और दोनों अलग नेटवर्क के बीच अगर कोई फाइल भेजना हो तो भेजने का भी काम हो
सकता है इस डिवाइस की वजह से, तो राउटर की वजह से। आप समझते हैं कि मॉडेम क्या होता है, ठीक है, तो मॉडेम समझ लेते हैं। मॉडेम एक हार्डवेयर डिवाइस है, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट अलाउज टू कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन। आप लोग बहुत सारे टेलीफोन लाइन बिछे हुए देखते हैं, ठीक है, उस टेलीफोन लाइन के माध्यम से जो इंटरनेट कनेक्ट कराने का डिवाइस कंप्यूटर को अलाउ करता है वो डिवाइस कौन सा होता है, मॉडेम होता है। यानी क्लियर है, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट अलाउज, जो कि अलाउज करता है द कंप्यूटर, किसको, कंप्यूटर को टू कनेक्ट, कनेक्ट होने के लिए टू द इंटरनेट, किससे, इंटरनेट से ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन, जो पहले से भी एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन होते हैं उनके माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को जो अलाउ करता है डिवाइस को क्या कहलाता है, हार्डवेयर, वो मॉडेम कहलाता है, ठीक है। तो इट स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये किसके लिए स्टैंड होता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर मतलब चेंज करने वाला, मॉड्यूलेट करके फिर चेंज, ठीक है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इट कन्वर्ट द डिजिटल डाटा या डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, या क्या करता है, इट कन्वर्ट, ये कन्वर्ट करता है डिजिटल डाटा को इनटू एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल में ओवर द टेलीफोन लाइन, ओवर द टेलीफोन लाइन। किसके माध्यम से डाटा आता है, तो टेलीफोन लाइन के माध्यम से ही आता है, और टेलीफोन लाइन के माध्यम से ही क्या करता है, उस सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में, यानी मॉडेम का काम ही क्या होता है, ये समझ लीजिए। तो मॉडेम एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्शन के साथ एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन के ऊपर या मदद से, एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन के मदद से इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ने का काम कंप्यूटर को करता है, वो डिवाइस क्या कहलाता है, मॉडेम कहलाता है। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इसका काम होता है कि सिग्नल को कन्वर्ट करना, यानी कौन से सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और फिर एनालॉग को डिजिटल में, ठीक है, क्लियर। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग, एनालॉग को डिजिटल, यानी कंप्यूटर डिजिटल लैंग्वेज समझता है, तो कंप्यूटर में जब भी क्रॉस होकर आएगा तो डिजिटल में जाएगा, और जब कंप्यूटर से बाहर हो जाएगा तो एनालॉग में उसको कन्वर्ट करेगा, यानी वाइस वर्सा यही क्रम चलते रहता है, वाइस वर्सा यही चलता रहता है। डिजिटल कंप्यूटर से आएगा, एनालॉग एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन से आएगा, तो एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम मॉडेम करता है। केबल कितने तरह के होते हैं, और केबल क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। अगर आपको नेटवर्क में किसी भी सिस्टम को कम्युनिकेट कराना हो तो आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन मीडिया यूज करनी होती है। कम्युनिकेशन मीडिया दो तरह के, आपको हमने बताया थे, कम्युनिकेशन मीडिया दो तरह के होते हैं, एक वायर्ड मीडिया और एक वायरलेस मीडिया। तो वायर्ड मीडिया का एक माध्यम कौन सा है कम्युनिकेशन का, केबल। वायर्ड मीडिया का माध्यम क्या है, केबल। तो इट इज अ ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन मीडिया यूज फॉर ट्रांसमिटिंग ए सिग्नल, जिसका प्रयोग ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल को किया जाता है, यानी सिग्नल को भेजने के लिए किया जाता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केबल यूज इन ट्रांसमिशन। नेटवर्क में तीन तरह के केबल का यूज होता है ट्रांसमिशन के लिए, किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, संचार के लिए तीन तरह के केबल का यूज होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। ट्विस्टेड केबल, पेयर केबल क्या होता है, ट्विस्ट होते हैं, जो केबल देखेंगे आप कट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो ट्विस्ट है। ट्विस्ट मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, एक केबल में दो आपको ज्वाइंट दिखेंगे, तो वो बोला जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, उनको मोड़ा गया रहता है, दो दो तीन तीन केबल एक साथ में ट्विस्ट रहते हैं, क्लियर। तो वो ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर का परत चढ़ा होता है जिसके अंदर एल्युमिनियम रहती है, वो सारे केबल फिर कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल जैसे होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों तरह के केबल का यूज संचार के लिए, यानी ट्रांसमिशन के लिए
नेटवर्क में किया जाता है। तो केबल एक क्या है, ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन मीडिया है जो कि सिग्नल को भेजने का काम करता है। सिग्नल को संचार करने के लिए आपको नेटवर्क में केबल का यूज किया जाता है। क्लियर। राउटर क्या होता है समझ गए, राउटर समझ गए। मॉडेम, मॉडेम क्या होता है, मॉडेम एक डिवाइस होता है जो कि इंटरनेट को कनेक्ट करता है। किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर को अगर इंटरनेट चलाना हो तो आपको एक डिवाइस की यूज करते हैं, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, मॉडेम बोलते हैं। जिसका काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, यही क्रम जारी रहता है। कंप्यूटर से कोई सिग्नल निकल के आता है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और जो मॉडेम से निकल के सिग्नल आता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है। यानी यहाँ से ये एक मॉडेम है, समझ लीजिए आपको ये मॉडेम है। तो यहाँ कोई एग्जिस्टिंग लाइन टेलीफोन लाइन आके कनेक्ट होता है, टेलीफोन लाइन कनेक्ट हुआ तो इससे जो सिग्नल आता है वो कैसा होता है, एनालॉग सिग्नल होता है। ठीक है, तो ये मॉडेम में गया, ये सिग्नल कहाँ गया, मॉडेम में। अब जब यहाँ कंप्यूटर, यहाँ पोर्ट रहते हैं, कंप्यूटर केबल से कनेक्ट होते हैं, तो ये केबल जो निकल के आता है तो ये मॉडेम से जो सिग्नल निकल के इस केबल में आता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डिजिटल में। ठीक है, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर बड़ा रहता है तो वो डिजिटल सिग्नल को ही समझ सकता है, और डिजिटल सिग्नल हमेशा बाइनरी फॉर्म में होता है। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, और डिजिटल सिग्नल जब इधर से जाएगा तो इसको डिजिटल लेगा मॉडेम, और डिजिटल से एग्जिस्टिंग लाइन में भेज देगा किस रूप में, एनालॉग के रूप में। यानी यही चीज चलते रहता है, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, मॉडेम का यही काम है सिग्नल को कन्वर्ट करना। ठीक है, केबल, केबल क्या होता है, ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन मीडिया है जिसका काम होता है सिग्नल को ट्रांसमिट करना यानी संचार करना, भेजना। तीन तरह के केबल होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर और ऑप्टिकल केबल। इन तीनों का अगर ट्रांसमिशन के लिए यानी संचार के लिए नेटवर्क में यूज किया जाता है। आपने आज जो बेसिक कंपोनेंट के डेफिनेशन थे वो क्लियर हो गए होंगे कि सर्वर क्लाइंट ये सारी चीजें क्या होती है, आपके माइंड में चला गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो या समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं या क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। आप खुद से भी डिफिनेशन डिफाइन करने का कोशिश कीजिए कि आप अपने वे में किस तरह से सर्वर या क्लाइंट या पी टू पी नेटवर्क जितने पॉइंट पड़े हैं उसको डील कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्राई कीजिए। आज के लिए इतना ही आपका क्लास, थैंक्स।